हमारे साथ मौजूद हैं विनय सिंह यादव जी। एक इनके द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है जिसकी चर्चा श्रोण लटेरी विधानसभा के क्षेत्र से लेकर और अन्य जो शहर वहाँ तक है, तो इस बीच हम आज मालूम करने आए हैं, बात करने आए हैं कि कांवड़ यात्रा निकालने का आपका लक्ष्य क्या है और ये कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू प्रारंभ होगी और कहाँ जाके समाप्त होगी, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहेंगे। कब निकलेगी कांवड़ यात्रा? ये कांवड़ यात्रा 14 तारीख को प्रातः 10 बजे नए बस स्टैंड श्रोण से प्रारंभ होकर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई और रोलपुरा चौराया छतरी नाका होते हुए मुख्य बाजार से देवपुर के लिए प्रस्थान करेगी और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन है, सभी भक्तों से भी निवेदन है कि विशाल भंडारे का कार्यक्रम है, कृपया सभी शिव भक्त श्रवण मास के शुभ अवसर पर देवपुर पधार करके कांवड़ यात्रा के लाभ लें और विशाल भंडारी की प्रसादी ग्रहण करें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग इस कांवड़ यात्रा में पधारें। अच्छा, लगभग कितने लोगों का भंडारा का इंतजाम कराया हमने? अब ये तो हमारा 5000 आदमी का लक्ष्य है, 5000 लगभग 5000 भक्तों का भंडारे की व्यवस्था की गई है और आगे भी हो सकता भंडारा दोबारा चलता रहेगा, वहाँ पे हलवाई लोग लगे रहेंगे और संख्या अगर बढ़ती है तो और भी भंडारा आगे भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विशाल भंडारे का कार्यक्रम है और सभी से निवेदन भी है कि सभी लोग भंडारी प्रसादी ग्रहण करने जरूर पधारें, इसमें जरूर शामिल हों। ये भव्य बहुत विशाल कांवड़ यात्रा पहली बार मैं निकाल रहा हूँ, इसमें सभी लोग जो है सम्मिलित होने की कृपा करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अच्छा, कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने आपके रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह जी भी आ रहे हैं। हमारे परम आदरणीय बाबा साहब जो है ना, उनकी प्रेरणा से ही ये कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से, और वो इसमें उपस्थित भी रहेंगे और सभी भक्तों के साथ वो कांवड़ यात्रा में मुख्य मार्ग से यहाँ श्रोण से निकलेंगे और पैदल चलेंगे और वो शिव भक्त हैं, वो कई बार मंदिरों पर भी पैदल कई बार आते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत बहुत बड़े भक्त हैं भोले बाबा के वो, और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है और वो इसमें शामिल रहेंगे और सभी और वरिष्ठ लोग भी, हमारे जिले के प्रदेश के लोग भी और लोग भी इसमें बहुत भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। सभी से हमने सूचना की है सभी लोगों को और सभी का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है, सभी लोग पधारेंगे इस आश्वासन मिला है ऊपर से भी। अच्छा, एक कांवड़ यात्रा और निकाली जाती है जो लगभग आखिरी सोमवार को होती है, उस कांवड़ यात्रा से हटके कांवड़ यात्रा है आपकी? नहीं, देखो कांवड़ यात्रा तो सब भोले के लिए निकालते हैं, विश्वनाथ स्वामी के लिए निकालते हैं, पूरे सावन से ही चल रही है और इस बार तो साहब दो सावन हैं तो जगह जगह से कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, कोई बड़ी कोई छोटी कोई मंजिल से चल रहा है, सिर्फ भक्तों का तांता लगा हुआ है देवगुर धाम में तो साहब। और ये पहली बार हमारे द्वारा देखो पहली बार ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये विशाल भक्तों का बहुत विशाल जनसैलाब होने वाला है, 5000 कांवड़ यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। अच्छा, न्योता किस तरह दे रहे हैं आप? हम गांव गांव जाकर के, हमारी टीम जा रही है, मैं भी गांव गांव जा रहा हूँ, पीले चावल हम दे रहे हैं और अब आगे हमारा कार्यक्रम जो है शहर में भी, नगर में भी, लटेरी में भी, आनंदपुर में, सुरोंज में, हम घर घर जाकर पीले चावल दे के निमंत्रण कर रहे हैं, वही कांवड़ यात्रा में आप शामिल हों, विशाल भंडारी की प्रसादी लेने के लिए पधारें, ऐसा हमारा निवेदन है सभी से और इस विशाल भंडारे में पधार करके कृपा करें हमारे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक ये पहली बार विनय सिंह यादव जी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और इसके अंदर रावगढ़ विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी मुख्य मार्ग से शुरू होंगे, साथ चलेंगे और देवपुर जाके समापन होगा इसका और विशाल भंडारा भी है,